कि आप एक रनर हो और आप रनिंग करते करते जल्दी थक जाते हो, इसका मतलब यह है कि आपने प्रॉपर अपने मसल्स की स्ट्रेचिंग नहीं करी है। स्ट्रेचिंग के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। जब भी हम कोई एथलीट होते हैं या फिर कोई रनर होते हैं या कोई भी टाइप की स्पोर्ट एक्टिविटी में होते हैं, तो हमारे मसल्स को वार्म अप की बहुत जरूरत होती है और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। इसीलिए हम रनर्स को या एथलीट्स को बिफोर एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग देते हैं। तो स्ट्रेचिंग में भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बट यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैटिक स्ट्रेचिंग की और कुछ बेस्ट स्ट्रेचिंग जो एक रनर कर सकता है खुद से, सेल्फ स्ट्रेचिंग कर सकता है, जिसमें उसकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और उसके मसल्स की का वार्म अप होगा। और ये स्ट्रेचिंग वो बिफोर एक्सरसाइज भी कर सकता है और आफ्टर एक्सरसाइज भी कर सकता है, दोनों केसेस में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए हम जानते हैं कौन सी स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं। जब हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स है, पर एक एथलीट और एक स्पोर्ट पर्सन के लिए उसकी बैक की स्ट्रेचिंग और उसकी लेग की स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हम ज़्यादातर फोकस करेंगे कि हम उसके बैक के मसल्स और लेग की मसल्स को वर्क करें और उनकी स्ट्रेचिंग प्रॉपरली कराएं। तो हम सबसे पहले जो भी एथलीट होगा उसको ये सिखाएंगे कि वो खुद से स्ट्रेचिंग कर पाए, ताकि उसको किसी की मदद ना लेनी पड़े स्ट्रेचिंग कराने में। जब भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमें एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम स्ट्रेचिंग को होल्ड करें, क्योंकि अगर हम स्ट्रेचिंग को होल्ड नहीं कर रहे मतलब मसल स्ट्रेच नहीं हो रहा। स्ट्रेचिंग में सबसे मेन होता है होल्ड करना। ये हमारी सबसे पहली स्ट्रेचिंग है, ये हम बैक के मसल्स के लिए करते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आपको अपना घुटना लेके जाना है अपने शोल्डर तक और अपने हाथ से पुश करके उसको होल्ड करना है फॉर 30 seconds। पर आपके ऊपर है, अगर आप 15 seconds भी होल्ड करते हो तो भी आपको प्रॉपर स्ट्रेच आना चाहिए मसल के ऊपर। होल्ड करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरी स्ट्रेचिंग भी हमारी बैक की मसल्स के लिए ही होगी। इसमें क्या करेंगे, हम अपने घुटने को अपने दूसरे ऑपोजिट शोल्डर के पास लेके जाएंगे। इसमें बैक के साथ हमारे जो ग्लूट्स और हैम्स के मसल है वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेके जाओ, इसको भी होल्ड करके रखना है फॉर एटलीस्ट 15 seconds। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तीसरी स्ट्रेचिंग हम अपने ग्लूट की एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है जिसको हम बोलते हैं पाइरिफॉर्मिस, तो हम पाइरिफॉर्मिस का स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए क्या करना है, अपने घुटने को मोड़ के एक फिगर ऑफ फोर बनाना है और उसको दूसरे जो हमारा एड़ी है उसको हमारे दूसरे वाले घुटने के ऊपर रखना है, ठीक है। फिर आपको अपने दूसरे वाले पैर को उठाना है, ठीक है, और इसको अपने शोल्डर तक लेके जाना है, कोशिश करनी है, और इसको होल्ड करके रखना है फॉर 15 seconds। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, जो हमारी फोर्थ स्ट्रेचिंग है वो हमारे पैर की एक सबसे इंपॉर्टेंट मसल होती है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे अभी हम, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी स्टूल या कोई भी हाइट का चेयर लेना है जिसके ऊपर आप अपना पैर रखोगे ऐसे, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और इस वाले घुटने को आगे लेके आना है, ठीक है। आगे लेके आओ, आगे लेके आओ, हाँ। जब आप ये करते हो तो आपको उस वाले पैर के क्वाड्रिसेप्स मसल पे मतलब इधर स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। इसको होल्ड करके रखना है फॉर एटलीस्ट 15 seconds और फिर छोड़ देना है। फिफ्थ हम करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग। हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग बहुत सारे वेरिएशन में होती है, पर यहाँ पे मैं सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग बता रही हूँ, जिसके लिए आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना, आपको एक लंबा सा चेयर लेना है या कोई स्टूल लेना है जिसके ऊपर आपको अपना हील ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। फिर अपने हाथ से अपने घुटने को नीचे दबाने की कोशिश करनी है ताकि घुटना ना मुड़े बिल्कुल भी, ठीक है। और फिर अपने पंजों को अपनी तरफ खींचना है, खींचो, हाँ। जब आप ये करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पे, और इसको होल्ड करके रखना है फॉर एटलीस्ट 15 seconds और फिर छोड़ देना है। सिक्स्थ हम करेंगे अपने गैस्ट्रोनेमियस और सोलियस की स्ट्रेचिंग, जो जिन्हें हम कहते हैं हमारे काफ्स। काफ की स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको कोई भी इस हाइट का स्टूल लेना है या फिर आप स्टेयर्स का हेल्प ले सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पंजे उस स्टूल के एज पे रखना है ताकि आपका जो हील है वो ग्राउंड को टच हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपने दूसरे पैर का जो हील है उसको लिफ्ट अप करना है, करो, हाँ। जब आप ये करोगे तो आपको इधर के काफ के मसल्स पे अच्छा स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच फील होगा तो आप उसको होल्ड करके रखोगे फॉर एटलीस्ट 15 seconds
और फिर छोड़ दोगे। जब इसमें ही अगर आप अपने घुटने मोड़ लोगे तो आपके सोलियस मसल की स्ट्रेचिंग होने लग जाएगी, तो वो और भी ज्यादा बेटर टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग होती है।